अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ खड़ा मसाले की भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी में आप बग़ैर तले हुए भिंडी पका सकते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप तेल लिया है और इसमें एक कप के करीब प्याज डाला है और उसको हल्का ब्राउन करने तक आप इसको पका लें। और जब ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और भिंडियाँ डाल दें। आपने भिंडियों को अलग से तलना नहीं है, इसी प्याज के साथ आप इसको फ्राई कर लें ताकि इनकी लेस ख़त्म हो जाए। इनको इतना तलना है, आपने पकाना है प्याज के साथ कि इनकी लेस ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने एक कप टमाटर, एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच नमक, एक चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच हल्दी ली है। यहाँ पे मैंने भिंडियों को बहुत अच्छी तरह से तल दिया है प्याज के साथ। अब इनकी लेस ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं इस टमाटर और सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको तेज़ आंच पे आपने पकाना है ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए, और उसके बाद आपने इनको दम दे देना है जी। 10 से 15 मिनट दम देने के बाद ये देखिए आपकी भिंडियाँ तैयार हो जाएंंगी। किस तरह से खिली खिली भिंडियाँ हैं, और खड़ा मसाला भिंडी इसको बोलते हैं कि इसमें मसाला भी प्याज टमाटर आपको खड़ा खड़ा नज़र आएगा। आपने भिंडियों को बग़ैर तले भी बहुत आसानी से पका सकते हैं, आपकी भिंडियाँ टूटेंगी नहीं।